हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्मार्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपके भी फ़ोन में जियो सिनेमा ऐप अपडेट नहीं हो रहा है? क्या आपके भी फ़ोन में जियो सिनेमा ऐप जो है अपडेट नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसा कि मेरे फ़ोन में यहाँ पर जियो सिनेमा पे जैसे ही हम लोग अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये अपडेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर पेंडिंग लिख रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? यहाँ पर कितना भी हम लोग अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये अपडेट होता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से बाहर आ जाइए। प्ले स्टोर से बाहर आने के बाद यहाँ पर सिंपल सा आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है प्ले स्टोर पे। देन उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन खुल करके आएगा ऐप इन्फो, इस पर क्लिक कर देंगे। ऐप इन्फो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो फोर्स स्टोर पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टोरेज एंड कैच, इस पर क्लिक करेंगे। स्टोरेज एंड कैच पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लियर कैच और क्लियर डाटा पर क्लिक करके डिलीट पर क्लिक कर देंगे। घबराइएगा नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, आपका प्ले स्टोर का कोई भी डाटा उड़ेगा नहीं। जस्ट आपको यहाँ पर इतना कर लेना है, काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्ले स्टोर को फिर से ओपन करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे ना, तो ये तो फिर से एक नया प्ले स्टोर जैसा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कुछ भी जैसे जियो सिनेमा को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे जियो सिनेमा। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जियो सिनेमा, देख सकते हैं ये अपडेट होकर नया वर्जन में आ चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पर अपडेट पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है अपडेट होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपके आँख के सामने, यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ, आपके आँखों के सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर अपडेट जो है होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्ले स्टोर से जियो सिनेमा ऐप को अपडेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब देख सकते हैं कि हमारा अपडेट जो है कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं कि जियो सिनेमा जो है अपडेट होकर कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से आप अपने जियो सिनेमा के इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।